सेवड़ा पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। मंत्री का सेवड़ा में किला गेट पर विधायक घनश्याम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं नगर में जगह जगह पर ऊर्जा मंत्री का स्वागत फूलमाला और तुलादान करके किया गया। कहीं पर फलों से तो कहीं पर फूलों से प्रियव्रत सिंह का तुलादान किया गया। ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक के संभागीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने सेवड़ा को एक और नई सौगात दे दी, जिसमें उन्होंने कहा कि भगुआपुरा में 25 करोड़ की लागत से 132 केवी का विद्युत सब स्टेशन बनाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने सेवड़ा सिविल अस्पताल को विधायक घनश्याम सिंह द्वारा विधायक निधि से दी गई एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। वहीं बिजली विभाग के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। ऊर्जा डिपार्टमेंट है जी जी। ये डिपार्टमेंट मैं डायरेक्टली नहीं देखता हूँ, हर्ष यादव जी इसके मंत्री हैं जी जी। परंतु हमने फैसला किया और आज मैंने डॉक्टर गोविंद सिंह जी से और कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि जितने भी शासकीय कार्यालय हैं इंक्लूडिंग शासकीय अस्पताल, मैंने घनश्याम सिंह साहब से भी निवेदन किया कि आप जनरेटर दे रहे हैं उससे बेहतर हम 10 किलो वॉट का एक सोलर प्लांट हम आपके अस्पताल में लगा देंगे, ताकि अगर कभी कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहाँ पे विद्युत की कटौती ना हो। इसकी आखिरी तारीख रखी है, जितने भी फॉल्टी मीटर हैं या कहीं पे मीटराइजेशन नहीं हुआ है तो हम मीटर लगाने का काम 31 मार्च तक करेंगे। कुछ शिकायतें मुझे प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों का निराकरण यहाँ के डी और एसी मिलकर करेंगे, मैंने इनको स्पष्ट निर्देश दे दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने रेत के अवैध उत्खनन पर कलेक्टर को कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। गोविंद सिंह ने तहसीलदार को नए बस स्टैंड के लिए जगह चिन्हित करने को कहा और एमपीवी के कार्यालय के लिए बाईपास पर जगह चिन्हित करने को कहा। दबंग न्यूज के लिए सेवड़ा से लालकृष्ण वर्मा की रिपोर्ट।